ये दिन भगवान जी के अवतारी दिवस के जा रहे हैं, एक प्रार्थना आपके कल्याण के, मैं तो हर बात तो आपके कल्याण के लिए कहूंगा ना, अब मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा कहना आप मान करके एक एक श्लोक की आहुतियां निकाल रहे होंगे। श्लोक बोला आहुति हरि ओम तत्सत, शेर ही नहीं आ सकते आप ना आइए, लेकिन घर में जब भी आप उठो उठो, जरा जल्दी उठोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा, घर में कप नहीं मिटेगी, सारों को उठने से पहले उठ बैठो, नहा लो धो लो और अपने एक एक अध्याय, हर एक एक अध्याय की आहुतियां निकालते जाओ, अपनी थैली में प्लास्टिक की थैली में रखी निकाली हुई होती है तो शेर ही हवन में डाल दो। तो बड़ा पुण्य होता है महाराज जी के श्लोक को बोलना। देखो भगवान क्या कह रहे हैं, सुनेगा जो कोई बराए सवाब, हमारे मुकद्दस सवालों जवाब, मैं समझूंगा उसने दिया ज्ञान यज्ञ, इबादत में मेरी किया ज्ञान यज्ञ। ये फिर आगे का अगर नहीं सुनेगा तो करेगा जो बैठ के एकांत में स्वाध्याय करेगा, कितना बड़ा पुण्य है आपके लिए। तो महाराज जी का पावन दिवस आ रहा है, इसलिए 700 श्लोकों की पावन आहुतियां जरूर निकाल लो, जरूर पूर्ण आहुति हो रही है मेरी सरकार आपके 20 तारीख को आप पूर्ण आहुति या 18 कह लो, 18वां अध्याय की पूर्ण आहुति उस दिन हो रही है। 18 जो है आप आते रहे 18 तारीख को, इस तक अठा पूरे 18 अध्याय, पहली तारीख को शुरू किया था, 18 को हम पूर्ण आहुति दे देंगे। तब तक आप भी जो सवेरे नहीं आ रहे हो, केवल इस समय आती है, तो वो एक एक श्लोक के उत्तर में याद करा दिया, जरूर ये क्रिया करो। श्लोक बोला हरिओम तत्सत कहते हुए आहुति निकाल डाली, अति सुंदर अति।